तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आईफोन लॉन्चर बताने वाला हूं जो कि वाकई में काम करता है। अगर आप आईफोन पसंद करते हैं लेकिन आपके पास आईफोन नहीं है तो आप अपने फोन को आईफोन की लुक देना चाहते हैं तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो ये ऐप वाकई में काम करती है, यानी आपके जो फोन का थीम है वो सेम टू सेम आईफोन का बना देते हैं। तो जब मैं ये यूज करता था, जब भी मेरा कोई फोन पकड़ता था वो कहते ये आईफोन है, लेकिन जब इसकी वो अबाउट में जाके प्रॉपर्टी चेक करते थे तो तब पता चलता था ये आईफोन नहीं है। तो ये अपडेट भी होता रहता है, इसमें काफ़ी सारी अपडेट आती भी हैं। इसको यूज़ कैसे करना है तो वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इस ऐप को सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूं और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको यूज़ करने के बारे में थोड़ा सा इसका बताता हूं कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है और ये किस तरह से इसके चेंजिंग थोड़ी बहुत करनी है। तो यहां पे ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो वेलकम स्क्रीन है इस तरह से आएगी और उसके बाद आपको अलाउ का कहेगी, आपने अलाउ अलाउ करते जाना है। तो अलाउ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ये इंटरफेस आएगा। आपने सेंटर वाले बटन से इसको बैक कर लेना है और जैसे बैक करेंगे आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सिंगल मैंने अभी सिंगल इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ तो ये जब भी मैं सेंटर वाला बटन क्लिक करूँगा तो ये बार बार पूछेगा। अगर मैं डोंट ऑलवेज पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब क्या होगा कि अब ये जब भी मैं सेंटर वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये हमसे नहीं पूछेगा कि आपने कौन सी स्क्रीन पर जाना है, यानी कि आपने अपना जो फ़ोन का ओरिजिनल थीम यूज़ करना है या आपने जो अभी डाउनलोड किया है वो यूज़ करना है। तो मैं जो डाउनलोड किया मैंने वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम जो लुक है वो आईफोन की तरह है। आप इन ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास बात क्या है कि अगर आपने किसी भी ऐप का आइकॉन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आईफोन वाले सारे आइकॉन हैं। तो आपने क्या करना है, ऐप लॉन्चर पे क्लिक करना है जो आपने इंस्टॉल किया है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं चेंज आइकॉन। तो आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऐप को हिडन करना है तो आप उस ऐप को यहाँ पे हिडन कर सकते हैं। वो किस तरह, आपने ऐप का नाम चेंज कर देना है, आपने ऐप का आइकॉन चेंज कर देना है। ऐप कोई और है, ऊपर नेम कोई और होगा, आइकॉन कोई और होगा, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं जैसे कि ऐप चेंज आइकॉन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे किसी को चेंज करना है, जैसे कि ये वाला कैमरा, ओपन कैमरा, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो आइकॉन है ये सारे सेम टू सेम एप्पल के यानी आईफोन वाले आइकॉन हैं। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके उस पर लगा सकते हैं। तो वो कैमरे का था तो मैं यहाँ पे ये देखे कैम को क्लिक करता हूँ, ये देखे बिल्कुल सेम टू सेम आईफोन वाला कैमरा बन गया। अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे ओपन कैम को देख लेता हूँ। तो ये रहा हमारा ओपन कैम। तो ये देखे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आप बिल्कुल इसका थीम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट का खुद हो गया, मैसेज का खुद हो गया, कुछ चीज़ों के खुद चेंज हो जाते हैं, जैसे इस कैमरे का भी खुद हो गया और सेटिंग का भी खुद हो गया। तो जो चीज़ों के ऐप आइकॉन चेंज ना हो वो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो बहुत कमाल की ऐप है, मैंने खुद काफ़ी अरसा इसको यूज़ किया है और सेम टू सेम लुक आपको आईफोन वाली ही देती है ये। तो यही थी आज की हमारी इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।